यू ऑल आर फाइन। तो इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने बेसिक्स एल्गोरिदम पढ़ा था और कैसे फ्लो चार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं पिक्टोरियल मेथड से, वो जान रहे थे हम लोग। ओवल शेप जो होता है वो स्टार्ट स्टॉप करने के लिए होता है, ठीक है। और इसमें और भी बहुत सारा होता है, जैसे कि अब देखिए पैरेललोग्राम, ये इनपुट और आउटपुट, जब भी कुछ इनपुट का चीज़ डालेंगे तो हम लोग पैरेललोग्राम में डालेंगे। इट इज यूज्ड फॉर इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन, इट इंडिकेट दैट कंप्यूटर ऑब्टेन डाटा और आउटपुट रिजल्ट, ठीक है। एक तो इसको डाटा मिलेगा और जब ये डाटा निकाल देगा आउटपुट दे देगा तो यूज होगा। रेक्टेंगल में जो प्रोसीजर होगा कि क्या कर रहे हैं, जो हमने इनपुट लिया है उससे हम क्या कर रहे हैं, वो चीज़ हम लोग रेक्टेंगल में डालेंगे। इट इज़ यूज टू प्रोसेस इंस्ट्रक्शन एंड डूइंग कैलकुलेशंस के लिए, ठीक है। डिसीजन, डायमंड होता है डिसीजन की कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, यस होना चाहिए या नो होना चाहिए, तो इसके लिए हम लोग डायमंड शेप यूज करेंगे। ये फ्लो लाइन इसको कहिए या फिर एरो की कहिए, ये एक दूसरे को क्या करता है, डायरेक्शन देने के लिए होता है, ठीक है। हाँ, रूल्स ऑफ फ्लो चार्ट, क्या क्या रूल है इसके, ये देखिए। जनरली अ फ्लो चार्ट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे होता है, टॉप टू बॉटम यानी ऊपर से नीचे, लाइक दिस। ऑल फ्लो बॉक्सेस ऑफ द फ्लो चार्ट आर कनेक्टेड विथ एरो, सब जो है किसी एरो से जुड़ा रहेगा। फ्लो चार्ट है वन एंट्री पॉइंट ऑन द टॉप एंड वन एग्जिट पॉइंट एट द बॉटम, इसमें एक जो स्टार्टिंग में एक एंट्री पॉइंट होगा और बॉटम में एक एग्जिट पॉइंट होगा। तो डिसीजन सिंबल हैज टू एग्जिट पॉइंट, डिसीजन सिंबल जो डायमंड शेप का था उसमें टू एग्जिट पॉइंट होता है, या तो वो साइड में हो या फिर बॉटम में होगा। ऑल स्टेप्स शुड बी अरेंज इन सीक्वेंस, सारा जो है कैसे अरेंज होगा, बिल्कुल सीक्वेंस में होगा। दिस फ्लो चार्ट प्लेट अ वाइटल रोल इन प्रोग्रामिंग ऑफ अ प्रॉब्लम एंड आर क्वाइट हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द लॉजिक ऑफ कॉम्प्लिकेटेड एंड लेंथी प्रोग्राम। जो भी लेंथी प्रोग्राम होता है ये फ्लो चार्ट होता है उसको समझने में काफ़ी आसानी कर देता है, जिससे कि जो प्रोग्रामर होता है जो इंस्ट्रक्शन देता है उसको समझने में आसानी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि कुछ एग्जाम्पल इसके कि कैसे हम लोग फ्लो चार्ट के माध्यम से एल्गोरिदम बनाएंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।